हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आपको बताने वाले हैं हरियाणा के अंदर जितने भी 22 के 22 जिलों के अंदर भर्तियां आती जा रही हैं, जो पहले से कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी सैलरी को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने फैसला कर दिया गया है। आपका काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि आपकी सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहुत ही कम मिल रही थी, अब आपको जो सैलरी है वो आपकी बढ़कर आने वाली है। सभी जल्दी से देखिए अगर आपकी सैलरी में कितना बढ़ोतरी किया जाएगा, किन किन की सैलरी बढ़कर आएगी वो आपको बता दूंगा। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरते हैं, अगर आपके 40 नंबर है, 50 है, 55, 60, 65, जो भी आपका स्कोर जुड़ पा रहा है उसके हिसाब से, अगर आपका आज तक ऑफर लेटर नहीं आया तो एक बार मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपने कौन कौन सी भर्ती के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर फॉर्म भर रखे हैं और किस भर्ती का आप वेट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पा रही। हरियाणा के अंदर कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जिसके बारे में आपको कोई आज तक जानकारी नहीं मिल पा रही है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो भी डाउट होगा, जो भी इशू रहेगा, जो भी आपकी जानकारी रहेगी, आपको स्टिक जानकारी, विशेषण जानकारी, सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। अगर मेरे भाई और मेरी बहन आज हमारे चैनल पर जो भी नए आए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सभी भाई और बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए हरियाणा के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट आते हैं, जो भी भर्तियों के ऑफर लेटर, जो भी मैसेज आते हैं, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हर एक जानकारी देखने को मिल जाती है। क्योंकि भाई और बहनों, गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो भी आपको जानकारी देते हैं 100% रियल जानकारी मिलेगी, स्टिक जानकारी मिलेगी, विश्वसनीय जानकारी मिलेगी और सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाती है। कोई डाउट होता है तो मेरे भाई और मेरी बहनें कभी भी मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए, आने वाले भर्तियों के नोटिफिकेशन मिलेंगे रेगुलर आपको। अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं हम उसके भी रिप्लाई करते हैं, जो कमेंट करते हैं हम उसके भी रिप्लाई करते हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में आपको बताते हैं। भाई और बहनों, बिल्कुल बेझिझक होकर आप टेलीग्राम पर मैसेज क्या करो, कमेंट क्या करो। जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, आने वाले भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने क्या फैसला किया है, 22 जिलों के अंदर जो स्टूडेंट लगे हुए हैं उनकी सैलरी को लेकर एक बार आपको छोटा सा एक नोटिस आया है, बिल्कुल आराम से दिखाऊंगा, बताऊंगा, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, मैं बात करने वाला हूं कि चंडीगढ़ में आप कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट पर जो स्थायी भर्ती थी वो नहीं होने वाली है। बिल्कुल साफ साफ बता दी गई है कि अब चंडीगढ़ में कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं स्थायी भर्ती होगी। जो भी डीसी रेट जॉब पर वहां पर लगे हुए थे अब उनको तो रखा जाएगा, आगे जो भर्ती होगी वो स्थायी भर्ती होने वाली है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती नहीं होगी। 25,000 यूटी प्रशासन में कुल कर्मचारी है, जिसके अंदर अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने लेटर वगैरह भी जारी किए, प्रशासन ने भी बताया था कि 25,000 ड्यूटी पर हैं, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, जिसके अंदर 5,000 जो लगे हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं, 11,452 आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं। चंडीगढ़ के अंदर प्रशासन ने 10 से 20 वर्षों से कार्यरत जो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के कर्मचारियों जिन्होंने फिलहाल अपनी नौकरी को बचा लिया है, लेकिन प्रशासन की ओर से भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए आगे की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अब यूटी प्रशासन विभागों में रिक्त पदों पर सिर्फ स्थायी कर्मचारियों कोई नियुक्ति हो गया। पहले जो कल डीसी रेट जॉब पे जो कर्मचारी लगे हुए थे 10 से 20 साल जिनको हो गया है उन्होंने तो अपनी नौकरी को बचा लिया, परंतु आगे अब ऐसा नहीं होने वाला है। डीसी रेट जॉब पे वहां पर भर्तियां नहीं आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वहां पर नहीं आने वाली है, हमेशा वहां पर एक पक्की भर्ती करवाने वाले हैं सरकार। सभी पदों पर सेंट्रल सर्विस रूल्स के तहत सभी भर्तियां और वेतन के केंद्र सरकार के नियमों के तहत ही मिलेगा। आपको मैंने पहले ही थंबनेल पर बता दिया था, जो भी वेतन आपको दिया जाएगा केंद्र सरकार के तहत मिलेगा। सूत्रों के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को लेकर बीते कई दिनों से सरकार ने उच्च अधिकारियों का पत्रकार जारी किया था, केंद्र सरकार ने फिर एक बार यूटी प्रशासन के अनुरोध पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को राहत देने का विकल्प दिया है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। यूटी प्रशासन ने भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की जगह पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की तैयारी कर दी गई है। सभी विभागों में हेड हफ्ते भर जो रिक्त पदे हैं उनको भर्ती की जानकारी मांगी जाएगी। 31 मार्च से पहले केंद्र को सरकार को रिक्त और नए पदों पर भर्ती को लेकर अनुमति मांगी जाएगी। जो भी आपके जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जितने जितने पोस्टें खाली पड़ी हुई है उनका लेटर आपको 31 मार्च तक जमा करवाना पड़ेगा, कहां कहां पर कितने स्टूडेंट चाहिए। 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार की ओर से यूटी प्रशासन को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें 5 वर्ष से अधिक समय से
रिक्त पदों को रद्द माना जाएगा। जो भी 5 साल से अधिक समय से खाली पड़े हुए हैं रिक्त पद हैं उनको रद्द माना जाएगा। जिसके बाद यूटी प्रशासन ने 10 जनवरी को सभी विभागों केंद्र के फैसले को लेकर लेटर जारी कर अगले ही वर्ष में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं करने के लेकर हेड को निर्देश दे दिए गए थे कि जो आपके जो सैलरी वैली है उसको रोकने के आदेश दे दिए गए थे। पूरे मामले में 2000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी पर संकट बन गया था। शुक्रवार को ही यूटी प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी को बचाने के लेकर प्रस्ताव पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है कि डीसी रेट जॉब पर जो भी स्टूडेंट लगे हुए हैं 10 से 20 साल जिनको हो गई है उनकी राहत हो चुकी है, उनको पैसा भी बढ़कर मिलेगा और उनकी नौकरी है वो सेफ हो गई है। जिसके अंदर क्या लिखा गया ये पढ़िए आप बिल्कुल आराम से। क्या लिखा गया है, डीसी रेट जो कर्मचारियों का वेतन जल्द बढ़ेगा। शहर के विभिन्न विभागों में डीसी रेट पर नियुक्ति कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। डीसी ऑफिस की ओर से प्रशासन के अधीन सभी विभागों के हेड को शुक्रवार को ही पत्र जारी कर दिया। 2024-25-70 के डिवीजन डीसी के बारे में जानकारी मांगी गई है। 5 वर्ष तक सभी विभागों को पे ग्रेड, ग्रेड पे, पोस्ट और शुक्रवार जो शुरुआती वेतन से संबंधित जानकारी देनी होगी। जो भी आपको जानकारी है उसको जल्द से जल्द ये मांगेंगे, डीसी साहब इसको देखेंगे और उसके बाद आपका डीसी रेट जॉब्स का जो भी स्टूडेंट लगे हुए हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो भाई गुरु बहनों, जो भी आपकी फैमिली के अंदर डीसी रेट जॉब पे लगा हुआ है 10 से 20 साल जिसको हो गया है, अब उसको राहत मिल जाएगा, उसका पैसा भी बढ़कर आएगा और आगे कोई भी फिलहाल लेटर आएंगे, जो भी जानकारी आएंगी हम इसी प्रकार से आपको सबसे पहले हर एक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि भाई गुरु बहनों, आपको कोई भी लेटर आता है, कोई भी हरियाणा के अंदर जॉब आती है, सबसे पहले आपको हर एक जानकारी मिल जाती है। साथ में अगर आपको कोई भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम का लेटर नहीं मिल पा रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही किसी भी भर्ती को लेकर, कभी भी मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमेशा आपके साथ में जुड़े रहते हैं, हमेशा आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं। तो ये वीडियो भी आपको कैसा लगा, डीसी रेट जॉब्स वालों का सैलरी बढ़ेगा तो आपकी कैसी जानकारी लगी, अच्छी बुरी कैसी भी लगी, जाते जाते एक पैरा पैरा कॉमेंट जरूर करते जाना। जो भी आप कॉमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो भाई गुरु बहनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।